तो दोस्तों आज हम लोगों के साथ एक फेमस ड्रॉपशिपर है इंडिया के क्षितिज थोराट जी, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इन्होंने कुछ टाइम पहले ड्रॉपशिपिंग स्टार्ट करी थी और काफी अच्छा इन्होंने प्रॉफिट ऑलरेडी मतलब गेन कर चुके हैं ड्रॉपशिपिंग से। काफी अच्छी नॉलेज है, ये खुद ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोगों को हमेशा ये डाउट रहता था कि ड्रॉप शिपिंग और शिपिंग में क्या डिफरेंस है, क्योंकि मैं शिपिंग का बंदा हूँ, मुझे सारी चीजें पता है कि किस तरीके से इंटरनेशनल शिपिंग काम करती है। तो आप लोगों को ये बड़ा डाउट रहता था कि इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग और डोमेस्टिक ड्रॉप शिपिंग, डोमेस्टिक ओवरऑल ड्रॉप शिपिंग का मॉडल किस तरीके से इंडिया में काम करता है। तो क्षितिज जी आज हम लोगों को थोड़ा गाइड करने की कोशिश करेंगे कि कोई बिगिनर किस तरीके से इंडिया में ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकता है और कितना प्रॉफिट है इसमें, कितना मेहनत है, कितना ओवरहेड एक्सपेंसेस है, एक मोटा मोटा जानने की कोशिश करेंगे क्षितिज जी से। तो क्षितिज जी, आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी, सबसे पहले तो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं इनको ये बताइए। मैंने 2020 से मैंने इंडियन ड्रॉप शिपिंग चालू की है। उसके पहले 3-4 साल मैंने इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में बहुत ट्राई किया है, बट कभी मेरा हाथ लगा नहीं उसमें। फिर इंडियन ड्रॉप शिपिंग का जब चालू किया तो अच्छा खासा चल गया। इंडियन ड्रॉप शिपिंग पहले दिन से बहुत अच्छा चल गया, क्योंकि मेरे फ्रेंड के साथ मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा। तब से अभी तक कंटिन्यू मैं इंडियन ड्रॉप शिपिंग ही करता हूँ और वही मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी सिखाता हूँ और उसके ही वर्कशॉप्स भी मैं देता हूँ। आपका यूट्यूब चैनल भी है ड्रॉप शिपिंग के ऊपर? यस यस यस। किस नाम से है? आई एम क्षितिज थोराट नाम से। आई एम क्षितिज थोराट। तो आप लोग ने सुन लिया कि क्षितिज जी का ड्रॉप शिपिंग का खुद का चैनल है, तो आप जाके इनको फॉलो भी कर सकते हैं। और ड्रॉप शिपिंग आप कितने वीडियोस लाते हैं हफ्ते में, कोशिश करते हैं? हफ्ते में मेरे दो वीडियोस आ जाते हैं, एक या दो तो आ जाते हैं। दो वीडियोस, तो दो आपको दो वीडियोस का वैल्यू मिलेगा हर हफ्ते, तो आप जाके इनको फॉलो कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग के बारे में सीखिए। क्षितिज जी, ड्रॉप शिपिंग में एक मिनट में आते हैं, सबसे पहले आप मेरे को थोड़ा अपना एजुकेशन का बता दीजिए कि आपने एजुकेशन वाइज क्या किया है। मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है और अच्छा सिविल किया है आपने। 2019 में शायद से मैं पास आउट हूं, हां 2019 में हूं। और लेकिन मुझे सिविल का कुछ भी नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट एक भी चीज नहीं आती मुझे सिविल, बस कंटिन्यूअसली ऑनलाइन जो भी चलता है वो चलता है बस। अच्छा, तो सिविल के बाद सीधा ड्रॉप शिपिंग, सीधा फिर ऑनलाइन जो भी करना है। कभी भी मैंने किधर जॉब नहीं की है, नेवर। अच्छा, कभी जॉब नहीं करी आपने? तो ड्रॉप शिपिंग से पहले भी कुछ ट्राई किया था आपने? इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग ऑनलाइन ट्राई किया था, एफिलिएट मार्केटिंग में। अच्छा, पहला इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, तो कुछ जमा नहीं है। तो ये ड्रॉप शिपिंग, अच्छा ये ड्रॉप शिपिंग जो है ये एकदम नया नया है इंडिया में, मेरे को जहां तक लगता है। इंडियन ड्रॉप शिपिंग इज न्यू कॉन्सेप्ट सबको, है ना, कॉन्सेप्ट इंडियन का जो ड्रॉप शिपिंग। हाँ, ड्रॉप शिपिंग तो ऑब्वियसली बहुत पुराना है, बाहर देश में अमेरिका, यूएस, यूरोप में काफ़ी चलता है। इंडिया में ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल नया नया, अभी मेरे ख्याल बिल्कुल राइज पे है, एकदम बस एक जस्ट द बिगिनिंग, अगर मैं गलत नहीं हूँ, है ना। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं। तो क्षितिज जी, आपने ड्रॉप शिपिंग मई 2020 में स्टार्ट करी थी, है ना, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुके हैं, है ना, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुके हैं। तो आप मेरे को ये बताइए कि ये जो ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स दोनों में बेसिक फर्क क्या है? बेसिक फर्क सिंपल है कि ड्रॉप शिपिंग में आप प्रोडक्ट को स्टॉक नहीं करते खुद के पास में, आप इन्वेंटरी स्टॉक नहीं करते, आपके सप्लायर के पास में इन्वेंटरी होती है और वो वहीं से आप डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाते हो, ठीक है। और ई कॉमर्स का मीनिंग ये होता है कि आप इन्वेंटरी स्टॉक करते हो और अपने पास से आप आपके कस्टमर तक ऑर्डर पहुंचाते हो, दैट्स इट। इट इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप शिपिंग एंड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में आपको स्टॉक करना है, ड्रॉप शिपिंग में कुछ भी स्टॉक नहीं करना। तो इसमें फिर एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जब वो ड्रॉप शिपिंग आप मतलब स्टॉक कुछ कर नहीं रहे, कुछ बना नहीं रहे, तो सप्लायर खुद ही बेच सकता है हमारा, जब एक ड्रॉप शिपर का क्या काम है बीच में? नहीं, सप्लायर जो होते हैं वो यूजुअली बल्क में काम करने का सोचते हैं हमेशा, जो सप्लायर होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, ये हमेशा बल्क में काम करने का सोचते हैं। तो हमारे पास से उनको डेली के 20-30-50-100 ऑर्डर्स जाते हैं, तो उनके लिए भी वो अच्छा होता है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और अराइज होता है इसके साथ ही, अगर हम किसी थर्ड पार्टी का सामान बेच रहे हैं, अब हमने उसके प्रोडक्ट को प्रमोट किया ऑनलाइन, ऑर्डर हमारे पास आया, हमने उसको बोला कि ये पर्टिकुलर बंदा है, इस एड्रेस पे आप शिप कर दीजिए, उसके पास कस्टमर की पूरी डिटेल चली गई, अब उसने अगर अपनी ब्रांडिंग करके कस्टमर को बेच दिया और नेक्स्ट टाइम कस्टमर डायरेक्ट उसके पास चला गया, तो नहीं करते ये जितने भी सप्लायर होलसेलर है, ये झंझटों में गिरते ही नहीं, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं करते ना, इनको भी पता है कि अगर कोई हमें बिजनेस दे रहा है तो ऑब्वियसली हम ये नहीं करेंगे, ऐसा कोई नहीं करता, है ना। बिल्कुल ठीक है, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। तो ठीक है, ड्रॉप शिपिंग हो गया आपको स्टॉक नहीं करना, ई कॉमर्स हो गया आपको प्रॉपर स्टॉक करना है, इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, है ना, ये बेसिक फर्क है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग और डोमेस्टिक ड्रॉप शिपिंग, इन दोनों में क्या फर्क है? इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग मतलब आप इंटरनेशनली उसको ड्रॉप शिप कर रहे हो, जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, बेसिकली ये चार कंट्रीज ज़्यादा चलती है।
तो आपके पास, आप फेसबुक मार्केटिंग करते हो प्रोडक्ट्स की, आपके पास ऑर्डर्स आते हैं, आप वो ऑर्डर AliExpress पर प्लेस करते हो और AliExpress से वो जो भी सप्लायर होता है वो डायरेक्टली कस्टमर तक USA ऑस्ट्रेलिया जिधर भी ऑर्डर इधर पहुंचा देता है। तो ये हो गया इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग। अभी इंडियन ड्रॉप शिपिंग कॉन्सेप्ट ऐसा है कि फेसबुक मार्केटिंग आपने प्रोडक्ट की, आपके पास ऑर्डर्स आए, ठीक है, ऑर्डर्स आने के बाद में आपने सेम कोई भी एक सप्लायर आपने ढूंढ के रखा हुआ है, उस सप्लायर को आपने सारे आपके इनवॉइसेस लेवल सेंड कर दिए और इसमें अपने को शिपिंग खुद करनी पड़ती है, ठीक है। इंटरनेशनल और इंडियन में ये फर्क है, इंटरनेशनल में आपको शिपिंग खुद को नहीं देखनी पड़ती, वो सीधा सप्लायर देखता है, लेकिन इंडियन जब आप करोगे अच्छा। तो आपको शिपिंग का पार्ट ही आपको खुद को संभालना पड़ता है। तो आप खुद ऑर्डर्स को शिप करोगे, शिप रॉकेट या फिर निम्बस फर्स्ट वगैरह ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं, आप वहाँ पर शिप करोगे ऑर्डर्स को, आपके इनवॉइसेस जनरेट होंगे, आपके लेबल्स जनरेट होंगे, वो आप आपके सप्लायर को भेजोगे, वहाँ से वो ऑर्डर डायरेक्टली कस्टमर तक शिप हो जाएंगे। समझ गए। आपको शिप रॉकेट के थ्रू अपना पिकअप जनरेट करना है, वो शिप रॉकेट वाला बंदा वहाँ सप्लायर के पास जाएगा, पिक करेगा और आपके कस्टमर को डिलीवर कर देगा, ठीक है। अब अगर आपने AliExpress की बात करी है तो मैं AliExpress पे एक्चुअली बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड रहता है, तो AliExpress से पता है कि आपको एक टाइम पे बहुत इम्पोर्ट होता था। अभी लास्ट ईयर जब ये अपना गलवान वैली का इंसिडेंट चल रहा था तो इस टाइम पे अराउंड 60-70 एप्लीकेशंस बैन किए थे इंडिया ने, चाइनीज एप्लीकेशंस, उसमें से एक AliExpress था। उससे पहले मेरे ख्याल AliExpress के थ्रू इंडिया में भी काफ़ी अच्छा ड्रॉप शिपिंग होता था कि AliExpress से इंडियन लोकल कस्टमर्स तक पहुंचाना माल को, मेरे ख्याल से ऐसा अभी भी होता है क्या? मेरे ख्याल से ऐसा कभी हुआ नहीं होगा, क्योंकि AliExpress से अगर से आप इंडिया में कोई प्रोडक्ट मंगवाओगे तो उसको आने को 30 दिन तक लग जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको जल्दी मंगवाना है तो आपको बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो आपको कुछ बचेगा नहीं और आप बेच भी नहीं सकते हो प्राइस पे जो प्राइस पे आप बुलवाना चाहते हैं। तो मतलब AliExpress अब तक लोग इसीलिए यूज करते हैं कि थर्ड कंट्री शिपमेंट, मतलब हम इंडिया में बैठे हैं, AliExpress से किसी थर्ड कंट्री में शिप कर दिया बाय ड्रॉप शिपिंग, इंडियन कस्टमर्स को सर्व नहीं कर सकते, ये डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वहां तक शिपिंग इनकी जल्दी है AliExpress से 7 डेज 10 15 डेज, बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया में ज्यादा जल्दी है। तो इंडियन इंटरनेशनल में हम AliExpress के थ्रू इंडियन कस्टमर्स को कभी सर्व ही नहीं किया हमने, मतलब इंटरनेशनल कस्टमर्स को ही सर्व किया है, कर भी नहीं सकते, क्योंकि इंडिया में जो है ना इंपोर्ट पॉलिसीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इंडिया में कोई भी ये कॉन्सेप्ट चल ही नहीं सकता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो क्लियरेंस, कस्टम क्लियरेंस प्रोसेस है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और हर हफ्ते नहीं तो हर महीने तो चेंज हो ही जाती हैं पॉलिसीज़। आज मतलब जो चीज़ फ्री इंपोर्ट है, कल पता लगता है कि उसमें आपको 20% बेसिक कस्टम ड्यूटी देनी है सिर्फ, तो ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। तो मेरे को ये बड़ा कन्फ्यूजन था कि किस तरीके से लोग करते थे, तो आपने बोला कि इंडिया में कभी सर्व ही नहीं किया, हमेशा बाहर के कस्टमर्स को सर्व किया। अब बाहर US यूरोप में क्या है कि वहाँ पे स्लॉट फिक्स होते हैं, कई सारे इंपोर्ट तो एकदम कम्प्लीटली पर्सनल यूज़ के लिए तो कम्प्लीटली फ्री होता है कि कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं कुछ नहीं, मतलब जैसे यहाँ पे CSB बिल्कुल एस्केलेटेड वे में होता है सारी चीज़ें, ठीक है। ये तो हो गया इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग और डोमेस्टिक ड्रॉप शिपिंग। डोमेस्टिक में अब डोमेस्टिक ड्रॉप शिपिंग में सप्लायर कौन से हैं जो इस टाइम पे डोमेस्टिक ड्रॉप शिपिंग को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे बड़े सप्लायर्स हैं क्या? बड़े सप्लायर मतलब कुछ नाम सुने हैं मैंने, जैसे जियो टैप हो गया और एक तो है कुछ तो भी, लेकिन मैं इनको कभी रेफर नहीं करता हूँ। मेरा फंडा ऐसा रहता है कि इंडिया मार्ट पे जाओ, ठीक है, आपको जो भी प्रोडक्ट सेल करना है उसका नाम सर्च करो इंडिया मार्ट पे, आपके सामने 10-20 सप्लायर्स आ जाएंगे, हर एक सप्लायर से जो भी आपको अच्छा खासा रेट मिल रहा है वहाँ पर टॉप में जो भी दिख रहे होंगे उनसे कॉन्टेक्ट करो सीधा सीधा, उनसे कैटलॉग मंगवाओ, ठीक है, कैटलॉग आपके पास में आ जाएगा, आपके पास अभी वेराइटीज आ जाएंगी पूरे प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक है, उसमें से आपको अभी जो भी चूज करना है चूज करो, उसके हिसाब से आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो सप्लायर के। अच्छा, तो उसके उस प्रोडक्ट को पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप फिर एडवर्टाइज करो, मार्केट करो, लेकिन अभी यहाँ पर ऑर्डर जनरेट करो है कि कुछ कुछ सप्लायर्स को नहीं पता ड्रॉप शिपिंग का फंडा, तो उन्हें समझाना पड़ता है कि एग्जैक्टली ड्रॉप शिपिंग क्या है करके। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, इंडिया में अभी इतना ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग और डोमेस्टिक ड्रॉप शिपिंग दोनों में से कॉम्प्लिकेटेड कौन सा ज़्यादा है आपके हिसाब से? इंडियन ड्रॉप शिपिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब यहाँ पर अकेला बंदा ढंग से काम नहीं कर सकता, यहाँ पे काफी मैनुअल वर्क है, कॉल करना उसको संभालना, क्या है इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी की सिस्टम है, ठीक है, तो कैश ऑन डिलीवरी की वजह से प्रॉब्लम जाता है, फिर कोई भी कस्टमर टाइम पे ऑर्डर रिसीव नहीं करेगा, फोन नहीं उठाएगा, गलत एड्रेस बताएगा, कुछ भी डाल देगा एड्रेस, ऐसा प्रॉब्लम होते हैं, तो मैनुअल वर्क होता है, एक बंदा काम नहीं कर सकता बल्क में, ठीक है, दो तीन लगेंगे साथ में, कैसे आपको करना है अच्छा काम। तो इंटरनेशनल ऐसा सीन है कि इंटरनेशनल में अकेला बंदा भी काम कर सकता है, चाहे वो 1 लाख पर डे के सेल हो, 2 लाख पर डे के सेल हो, अकेला बंदा काम कर सकता है वहाँ पे, सिर्फ लिंक ऑनलाइन सारी चीजें ऑनलाइन है। इतना काम बढ़ जाता है किसी का इंटरनेशनल में 1 लाख 2 लाख पर डे सेल वाला, तो वो सीधा सीधा वो एक्सेल शीट डाउनलोड कर लेते ऑर्डर्स के, सीधा सप्लायर को एक्सेल शीट फॉरवर्ड कर देते, तो ज्यादा उधर वर्क नहीं है। ओके ओके,
ठीक है, ड्रॉप शिपिंग का पता लग गया हम लोगों को, ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स में पता लग गया, इंटरनेशनल वर्सेस डोमेस्टिक पता लग गया, और सप्लायर्स का भी पता लग गया कि सप्लायर्स कैसे ढूंढने हैं। अब बात करते हैं कि इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज कितनी है ड्रॉप शिपिंग में, अगर कोई बंदा ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करता है तो लीगल फॉर्मेलिटीज कितनी है? कंपनी डालनी पड़ती है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप आप डाल सकते हो, रजिस्टर करवा सकते हो खुद का, या फिर आप पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करवा सकते हो, या फिर प्राइवेट लिमिटेड करवा सकते हो, आपको जो करना है आपको कर सकते हो। अच्छा, और आपको एक जीएसटी सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन मस्ट नहीं है, अगर से आपको स्टार्ट करना है तो जीएसटी एकदम मस्ट नहीं है, बट अगर कुछ 40 लाख से नीचे का ट्रांजैक्शन है तो आपको नहीं जरूरत पड़ता, जरूरत नहीं पड़ता, बट आपको निकालना है तो आप स्टार्टिंग से निकाल सकते हैं, आप स्टार्टिंग से निकाल सकते हैं, बस इतनी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बाद में इनकम टैक्स सेविंग से करो स्टार्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब बात जब हम कर ही रहे हैं कि सेविंग्स और करंट की, तो पैसा कितना लगता है इसमें, इन्वेस्टमेंट कितनी है? पैसा देखो स्टार्टिंग में, मतलब आपको ये बिजनेस मॉडल जम रहा है या नहीं जम रहा है ये अगर से टेस्ट आउट करना है तो आपको 25,000 to 30,000 रुपीज लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, इसमें आपका एड कॉस्ट वगैरह अराउंड 12 to 15,000 रुपीज आपका एड कॉस्ट रहेगा। ठीक है, शॉपिफाई पे आपको एक मंथ पहले 14 days तो फ्री रहते हैं। ठीक है, शॉपिफाई मतलब एक वेबसाइट, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपन खुद का ड्रॉप शिपिंग का स्टोर बना सकते हैं, पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो उसका मंथली कुछ चार्ज होता है 2200 रुपीज़। ठीक है, तो पहले तो 14 days फ्री रहेगा, तो उसके आपको 2200 रुपीज़ भरने पड़ेंगे। फेसबुक में आपके जैसे मैंने बताया 12 to 15,000 रुपये चले जाएंगे, फिर शिपिंग में थोड़ा सा कॉस्ट लगता है। ठीक है, और प्रोडक्ट कॉस्टिंग थोड़ी लगती है, तो ये टोटल अगर से आपको टेस्ट करना है मॉडल तो 25-30,000 रुपीज़ लगते हैं स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अगर से इसको आपको अच्छा चल गया, ठीक है, आपका बिजनेस अच्छा चल गया, तो फिर स्केलिंग में आपको यहाँ पर तकरीबन 1-1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट आगे करने पड़ते हैं बिजनेस, कभी कभी उससे ज्यादा भी करना पड़ता है, डिपेंड्स कि आपका प्रोडक्ट कैसा चल रहा है, आपको कितने लेवल का सेल चाहिए, आपको कितने लेवल का प्रॉफिट चाहिए। तो आपने बोला कि मतलब इतना इनिशियल वो है कि 25-30,000 रुपये लगेगा, अब ये जो शॉपिफाई है, शॉपिफाई पे ही लोग स्टोर बनाते हैं कि कोई दूसरी वेबसाइट्स भी हैं शॉपिफाई के अल्टरनेटिव? वूकॉमर्स हो गया, ठीक है, वहाँ पर आप बना सकते हो, फिर उसके लिए टेक नॉलेज चाहिए जो कि मेरे पास तो नहीं है, इसलिए मैं कभी अच्छा नहीं करता उसको, वर्डप्रेस वगैरह का नॉलेज चाहिए होता है, इसलिए मैं कभी यूज नहीं करता, बट किसी को है तो वो कर सकता है। मतलब ये हो गया कि जैसे हम ऑनलाइन में डोमेन जब वेबसाइट बनाते हैं नॉर्मल, तो विक्स जैसे होता है कि सारी चीज़ें एकदम इजी होती है, वैसे ही ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स में अपना शॉपिफाई जो है वो सब कुछ रेडी करके देता है, आपको बस थीम ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड यू आर रेडी टू गो। ठीक है, बहुत बढ़िया। किसी को नहीं समझता जब कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है शॉपिफाई पे, तो मेरे चैनल के ऊपर मेरी पूरी एक सीरीज है 30 episodes की, उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने स्टोर कैसे बनाना है, फेसबुक मार्केटिंग कैसे करना है, ऑर्डर्स को शिप कैसे करना है, वो एक एक एपिसोड कर मैं 30 episodes में उसको डिवाइड किया। अच्छा चलिए, हमारा स्टोर बन गया, सपोज मैंने स्टोर बना लिया, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेरे को मार्केट करना है, स्टोर बनाने के बाद मार्केट करना ही पड़ेगा, स्टोर बनाने के बाद में आपको प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा आपके स्टोर के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा। ऐसा होता है कि यहाँ पर अभी कुछ कुछ लोगों का शायद मन में आ रहा होगा कि भाई स्टोर पर कितने प्रोडक्ट डालने, ऐसा भी कुछ सवाल आता है, तो स्टोर पर आप मतलब मिनिमम आपको 10-12 प्रोडक्ट डालने से। ठीक है, अब 10-12 प्रोडक्ट का अपने को कुछ लेना देना नहीं, ठीक है, वो सिर्फ एक फिलर प्रोडक्ट हो गया, मतलब सिर्फ स्टोर थोड़ा भरा भरा दिखना चाहिए अपना, इसलिए अपन डाल दे रहे हैं भरा भरा दिखना चाहिए। एक आपको ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा जिसकी आप मार्केटिंग कर रहे हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा जिससे लोग आपके स्टोर की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, और वो प्रोडक्ट मार्केटिंग करके वो बंदा आपके स्टोर के ऊपर आएगा और वही प्रोडक्ट खरीद के बाहर चले जाएगा, वो बाकी स्टोर घूमते भी नहीं बैठता, सीधा वो प्रोडक्ट पर आता है। वैसे भी अगर यह है कि इनिशियल लेवल पे अगर आप स्टार्ट करें तो सामने वाले को जितना कम आप ऑप्शन देंगे ना उतना ज्यादा सेल्स क्रैक होता है, क्योंकि वो कंफ्यूज कम होता है। यही रीजन की वजह से मैं कभी भी मेरे इंडियन ड्रॉपशिपिंग में ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेचता जिसमें कलर्स वाले ज्यादा वेरिएंट आ जाए या फिर जिसमें साइजेस वाली चीज आ जाए, मैं कभी नहीं बेचता ऐसे चीज़, सिर्फ मेरा सिंपल होता है भाई ये कलर है, ये प्रोडक्ट है, लेना लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कंफ्यूज नहीं करना, डील क्रैक करनी है सीधे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इनिशियल लेवल पे तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि जितना कस्टमर को कंफ्यूज कम करोगे, जितने कम चॉइसेस उतनी ज्यादा सही। Until and unless you are brand. चलो आप Until and unless you are brand. मतलब अगर से आप brand हो Until and unless you are a brand. ठीक है, वो तो बात का है, वो तो कभी इन द फ्यूचर आप जाके अगर आपका चल गया काफी तो आपने एक अपना ब्रांड बना लिया, जैसे भुवन बाम ने आज के डेट में अपना ब्रांड बना रखा है, कई सारे और यूट्यूबर्स ने बना रखा है, सिर्फ नाम से बिक जाते हैं वो लोग। अब जब आपने प्रोडक्ट की बात करी कि ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जिसको आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जिसको प्रमोट करना है, जिसके थ्रू आपको अपना ट्रैफिक लेके आना है अपने स्टोर पे, तो अब वो प्रोडक्ट बंदा कैसे सेलेक्ट करे, जो बंदे को पता नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, तो उस प्रोडक्ट को एक बंदा कैसे ढूंढ सकता है, उस विनिंग प्रोडक्ट्स को किस तरीके से बंदा आइडेंटिफाई करे कि मेरे को इस प्रोडक्ट पर डील करना है और इसको टेस्ट करना है, क्योंकि शुरू में अगर वो टेस्ट करेगा तो वो चाहता है कि एटलीस्ट थोड़ा तो बिके,
मतलब मोरल डाउन हो जाएगा बंदे का. करेक्ट करेक्ट. तो इसके लिए कैसा होता है कि आपको सिंपल है, फेसबुक पर जाना है, facebook.com पर. फेसबुक में सर्च बार में आपको सर्च करना है 50% ऑफ, 50% का सिंपल ऑफ, 50% ऑफ स्पेस देके ऑफ, या फिर 20% ऑफ, 30% ऑफ, या फिर आपको फ्री शिपिंग, ऐसे वर्ड कीवर्ड्स आपको सर्च करने हैं. और आपको फिर उसमें फिल्टर्स आते हैं, फोटोज, वीडियोस, ऑल पोस्ट ऐसे वाले, उसमें से आपको वीडियोस वाले फिल्टर पे क्लिक करना है. आपके सामने बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ जाएंगे और वो सारे के सारे ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, उसमें से जो भी आपको अच्छा खासा यूनिक प्रोडक्ट लग रहा है आप उसको उठा सकते हो और उसको टेस्ट कर सकते हो. कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता देख करके ये विनिंग प्रोडक्ट है करके, जब तक आप खुद उसको टेस्ट नहीं कर लोगे आपके स्टोर. अच्छा, जब तक खुद ऐसा कुछ मेट्रिक्स नहीं है कि हमें पता लगे कि ये इस टाइम पे मार्केट में सामने वाला बंदा अच्छा सेल कर पा रहा है, ऐसा कुछ एक्चुअली उसको एनालाइज करने का कोई मेट्रिक्स नहीं है. ज्यादा वीडियोस मिलेंगे, ज्यादातर यूएसए वगैरह के आपको दिख जाते हैं. ठीक है, तो उधर के मेट्रिक्स का आपको लेना देना नहीं है, अपने को देना है कि इंडिया में क्या चल रहा है. थोड़ा सा अपना मतलब आपका माइंड लगा सकते हो कि ये प्रोडक्ट को देखिए क्या ये प्रोडक्ट की इंडियन कस्टमर्स को जरूरत है अभी, और फिर अगर से है तो फिर वो एक मेरे को लगता है कि इनिशियल लेवल पे कोई प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले का कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करे. प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट इज मस्ट. ठीक है, यहाँ पे दो फैक्टर्स होते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है और एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो वायरल जाने वाला होता है, मतलब सिर्फ उसके दिखने में अच्छा होता है या फिर ज्यादा लड़के लड़के जल्दी उसको खरीदते हैं, ट्रेंडिंग में आ जाता है. हाँ, वो जैसे वो मैग्नेटिक लैंप्स वगैरह होते हैं, वो जो फ्लोटिंग मैग्नेटिक लैंप्स हो गया, बीच में फिजेट स्पिनर आया था. राइट, हाँ, फिजेट स्पिनर, फिजेट स्पिनर मैंने भी बहुत यूज किया था. घुमाते रहो. ठीक है, तो वैसे ट्रेंडिंग वैसे जो वायरल प्रोडक्ट्स है वो मैं इंडिया में सेल करने के लिए ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ. मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ ऐसे प्रोडक्ट सेल करो जो यूजफुल हो, क्योंकि यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम है. अब जब आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बेचते हो ज्यादातर, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि ज्यादातर जो ऑडियंस होती है परचेस करने वाली वो 20 की एज वाली, 21, 18, 17 साल वाली होती है. ठीक है, जब आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बेचते हो, मतलब समझ लो बस ऐसे, मतलब सिर्फ फिजिक्स स्पिनर रखो फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, जब आप ऐसे प्रोडक्ट बेचोगे तो ज्यादातर ये 17, 18, 19 साल वाले लोग खरीदते हैं, इनके पास ये जो पैसे नहीं होते, ये कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कर देते हैं. ठीक है, फिर कैश ऑन डिलीवरी की वजह से फिर टाइम पर पैसे नहीं रहे तो नहीं, फिर हमारे पास पैसे नहीं, आप वापस लेके जाओ अपनी कॉस्टिंग करके. इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैच्योर ऑडियंस वाले प्रोडक्ट बेचो. इंडियन ड्रॉप शिपिंग मोस्टली वो ऑनलाइन ही पेमेंट करे, पेमेंट हमारे पास आ जाए जल्दी से, फिर उसके बाद शिप होता रहे. इंडियन ड्रॉप शिपिंग में ऑनलाइन पेमेंट आपको 100 ऑर्डर्स अगर से आ रहे हैं, 100 में से 2 या 3 आपको प्रीपेड आएंगे, बाकी की सब ऑर्डर्स कैश ऑन डिलीवरी. 100 में से कितने प्रीपेड आएंगे? 2 या 3 कोई नहीं करता. अच्छा, कैश ऑन डिलीवरी. फिर ये लॉजिस्टिक्स में अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, प्रोडक्ट डैमेज या रिटर्न का, इसमें भी प्रॉब्लम आती होगी? डैमेज होता है तो अपन पहली बात तो सप्लायर से बात कर सकते हैं इस बारे में, नहीं तो फिर जो भी अपन कंपनी यूज करें शिपिंग की उनसे बात कर सकते हैं. तो इसको कुछ टैकल करने का कोई तरीका होता है क्या कि डैमेज ना हो लॉजिस्टिक्स? क्योंकि मेरे को लगता है किसी भी आज की डेट में किसी भी ई कॉमर्स की सक्सेस को जो चीज़ डिफाइन करती है ना, उसमें बहुत बड़ा पार्ट लॉजिस्टिक्स का है. Amazon चलता ही इस वजह से है क्योंकि आज आपने ऑर्डर किया, अगले दिन वो घर पे पहुंच जाता है. तो लॉजिस्टिक्स का पार्ट जो है आज की डेट में ई कॉमर्स में बहुत ही क्रूशियल है. तो लॉजिस्टिक्स अगर आपने, अब मैंने एक टेबल ऑर्डर किया था पेपर फ्राई से, वो आया 1 महीने बाद. मैं मतलब मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी, उसका EMI कन्वर्ट होकर मैंने बिल पे कर दिया, एक बिल साइकिल जा चुका उसके बाद. तो फिर बंदा कितना वो हो जाता है, वो एक्साइटमेंट ही ख़त्म हो जाती है. तो मेरे को लगता है कि लॉजिस्टिक्स वाला पार्ट भी जो है उस पर भी आगे जाके बहुत ज़्यादा कंपनीज ध्यान. शिप रॉकेट वगैरह तो है ही, बहुत एफिशिएंट है. शिप रॉकेट को मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं वहाँ पे काम करते हैं शिप रॉकेट में, तो वो बहुत एफिशिएंट लोग हैं. उसके साथ के अभी पिकर करके एक और है शिप रॉकेट जैसे, काफ़ी सारे निम्बस एक्सप्रेस बेज और भी बहुत सारे हैं आज की डेट में लॉजिस्टिक्स. बिल्कुल ठीक है. अब हम जब ये प्रोडक्ट का मेन मार्केटिंग अब जो करता है, जैसे कि जो बंदा प्रोडक्ट ऑनलाइन मार्केटिंग करेगा, तो उसको क्या डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए? ऐसा कुछ मैंडेटरी मार्केटिंग की नॉलेज तो होनी चाहिए. फेसबुक मार्केटिंग तो सिखाने वाले यूट्यूब पे मेरे ख्याल बहुत सारे. मैंने खुद फेसबुक मार्केटिंग करी है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग करी है ना. चलिए, तो ये सबसे मेन बजट जो मोटा चंक जाने वाला है वो फेसबुक मार्केटिंग और दूसरे मार्केटिंग्स में ही जाने वाला है. चलिए, और ओवरहेड एक्सपेंसेस तो आपका यही हो गया कि अगर कुछ डिलीवरी में कोई इशू आ जाता है कभी. ओवरहेड एक्सपेंस में आपका आ जाता है एक तो मतलब जो इम्पोर्टेंट एक्सपेंस आता है वो आता है अगर से आप किसी इसको लग रहे हो, मतलब कंफर्मेशन कॉल वाई को रख रहे हो कि जो ऑर्डर्स कंफर्म करेंगे, भाई आपने कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किया था, आपको सचमुच ऑर्डर चाहिए या नहीं चाहिए, आपके ऑर्डर की इतनी वैल्यू है, ऐसे कंफर्मेशन कॉल करनी पड़ती है COD ऑर्डर्स वाले. ठीक है, तो वो जो बंदा अपन रखते हैं उसका अपने को मंथली एक्सपेंस आता है. अच्छा, तो
ये जो है अपना मेन जो आप टारगेट ऑडियंस करते हैं तो वो फेसबुक और इंस्टाग्राम से होता होगा ड्रॉप शिपिंग? अभी राइट नो, मैं जो काम करता हूँ वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे ही मार्केटिंग चलती है। यूट्यूब पे भी मुझे जल्दी से मूव होना है, बट समझ नहीं रहा यूट्यूब मार्केटिंग कैसे करनी है, तो बस जब जमेगी तब चलेगी। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों काफ़ी डिफरेंट है, वहाँ के ऑडियंस भी काफ़ी डिफरेंट है मुझे जहाँ तक आइडिया है। तो इनिशियल लेवल पे बंदे को फेसबुक में ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि इंस्टाग्राम में? क्योंकि फेसबुक से ही दोनों के ऐड लगते। हाँ, दोनों के ऐड तो फेसबुक से ही लगते हैं, ऑडियंस का फर्क है बस। क्योंकि इंस्टाग्राम में हमारे देश में इस टाइम पर जो ऑडियंस है, फेसबुक में थोड़े अलग, क्योंकि फेसबुक में फेसबुक का डेटा बेस बहुत ज़्यादा बड़ा है इंस्टाग्राम से, बहुत ज़्यादा। बट जब आप चालू करते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि दोनों में जाइए। दोनों में जाइए, ठीक है, दोनों में जाना, ठीक है। अब जब ये बंदा फेसबुक ऐड सीखेगा इनिशियल लेवल पे, कुछ रिकमेंडेशन आपकी, कोई यूट्यूब चैनल ऐसा जिसको जिससे आपने सीखा हो? फ्लाइंग स्टार्ट ऑनलाइन, मैं भी देखता हूँ, बहुत बेस्ट है, ई-कॉमर्स सबसे बेस्ट चैनल बोल सकते हैं उसको। रितो चक्रवर्ती, रितो ऐसा कुछ उनका फुल नेम है। अच्छा, तो वो इंडिया से ऑपरेट करते हैं, इंडिया के बाहर से ऑपरेट करते हैं? उनका मैक्सिमम वर्क इंटरनेशनल में चलता है, बट अभी मैंने पैसे भी डाला था उसमें, तो उनके कुछ तो रिलेटिव्स के लिए वो इंडियन ड्रॉपशिपिंग का भी स्टोर हैंडल कर रहे हैं। ओके ओके। और एक्चुअली इंडियन ड्रॉपशिपिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो ऐसा मार्केट में अभी फैला है, वो तो सच्चे अच्छा नहीं, अभी वो भी है निष्कर्ष शर्मा जी, जिनके बहुत ऐड आते हैं ई-कॉमर्स को लेके। इंटरनेशनल पीओडी, अब पीओडी क्या होता है? प्रिंट ऑन डिमांड। अच्छा, ये प्रिंट ऑन डिमांड का क्या फंडा है सारा? मतलब प्रिंट ऑन डिमांड मतलब सिंपल है कि आपको आपके पास टी शर्ट है वाइट कलर की या ब्लैक कलर की या फिर कोई भी कलर की, उस पर आप एक खुद का एक यूनिक डिजाइन बनाकर वो डाल रहे हो और स्टोर पर उसको अपलोड कर रहे हो, उसकी मार्केटिंग कर रहे हो। किसी को भी कस्टमाइज टी शर्ट चाहिए प्रिंटेड, तो वो तो ये इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है प्रिंट ऑन डिमांड का? इंटरनेशनल वाला बहुत प्रॉफिटेबल है इंडियन। तो वो इंटरनेशनल किसी वेबसाइट से प्रिंट होके इंटरनेशनल किसी कस्टमर को डिलीवर हो जाता है। अच्छा, तो जो निष्कर्ष शर्मा जी हैं वो मेन पीओडी को ही वो करते हैं, प्रमोट करते हैं क्या? बट वो तो ई कॉमर्स का उनका ज्यादा, मेरे को जहाँ तक लगा कि ई कॉमर्स स्टोर बनाइए, ई कॉमर्स बिजनेस करिए, उसको ही मेरे को जहाँ तक पढ़ पीओडी। अच्छा, उसी को ई कॉमर्स कहते हैं। हाँ, मैंने एक उनका इंटरव्यू देखा था रितो सर के साथ ही, वो पीओडी के ऊपर ही बहुत डिस्कस कर रहे थे। वही उनका मेन बिजनेस है पूरा। एक बार वो जो उनके जो वर्कशॉप के एड्स आते हैं उसमें भी वो वही बताते हैं कि उसी बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाए। ओके, ठीक है, चलिए हमने ड्रॉप शिपिंग की बात कर ली, इन्वेस्टमेंट की बात कर ली, रिस्क फैक्टर कितना है इसमें? रिस्क फैक्टर तो है एक्चुअली, रिस्क फैक्टर बहुत है बोल सकते हैं, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी के सिस्टम की वजह से ही रिस्क फैक्टर है, तो ऑर्डर आने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। अभी आप अगर से इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग चालू करने जाओ तो वो आपके लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है ये टेस्ट आउट करने के लिए आपको कम से कम 1,00,000 रुपये खर्च करने पड़े या उससे ज़्यादा करने पड़े। अच्छा, इंडियन आपके लिए वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके लिए आपके लिए 25,000 to 30,000 इज फाइन, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कम है बट रिस्क ज़्यादा है, ये बात सही है। रिस्क किस फॉर्म में आता है यहाँ पे? रिस्क आपका अभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास मतलब आप बहुत ज्यादा ऑर्डर निकाल देते हो 7 दिन तक आपके बहुत ऑर्डर निकले, फिर 8-9 दिन जब धीरे धीरे ऑर्डर डिलीवर कम होते हैं और आरटीओ ज्यादा आ जाते हैं। आरटीओ मतलब कि रिटर्न टू ओरिजिन, ठीक है, मतलब कस्टमर के एड्रेस तक ऑर्डर पहुंचा लेकिन कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर वो ऑर्डर अपने पास नहीं किया, राइट, कैश ऑन डिलीवरी, तो जो वापस आते हैं उसको आरटीओ बोलते हैं। फिर अगर से वो आरटीओ रेट बढ़ गया तो आपकी कॉस्टिंग पूरी चली गई, आपकी फेसबुक मार्केटिंग चली गई, राइट, आपका जाने आने का खर्चा भी लग गया उसमें, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा आपको कभी कभी लॉस हो जाता है, पता ही नहीं चलता किसी किसी को तो कि लॉस हो रहा है। अच्छा, तो वो जो आप उसने फेसबुक मार्केटिंग करी वहाँ पे भी उसका एक्सपेंस हो गया, जो अपना क्या कहते हैं ये लॉजिस्टिक्स वाला एक्सपेंस भी हो गया, ये सारा एक्सपेंस होने के बाद वो वापस आ गया, तो ये इनका एक तरह से ओवरहेड एक्सपेंस हो गया, ये है ना, वेरिएबल कॉस्ट है ये, ठीक है। अच्छा, अगर सब कुछ बढ़िया चलता है तो बंदा कितना पैसा कमा सकता है? बढ़िया अगर से चलता है तो 15-20% का मार्जिन निकल जाता है। 15-20% मार्जिन ओवरऑल सेल्स के ऊपर? ये ड्रॉपशिपिंग का हो गया। अगर से आप प्रॉपर ई-कॉमर्स करोगे, जैसे मेरे एक फ्रेंड है खुशवंत सिंह नाम से, उनका अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ता है, 35-40% तक मैंने सुना। तो अच्छा, वो ई-कॉमर्स करते हैं प्रॉपर इन्वेंटरी मेंटेन करके? अच्छा, उनका खुद का ब्रांड है। चलिए,
बहुत बढ़िया। तो आपने अब तक कितना पैसा कमा लिया ई कॉमर्स? मैं सब नहीं बोल सकता, बट अगर से आप मुझे अभी का पूछोगे कि सेल कितना चल रहा है, तो अभी मेरा 1.3 लाख के आसपास सेल चल रहा है। भले मैं आज की तारीख 3 तारीख है, 3 सितंबर, ठीक है, मैं 3 सितंबर का आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप आपके वीडियो में डाल देना उसको। सो अभी 3 अभी मतलब ये पर एक दिन का सेल कह रहे हो आप? 1.3 लाख के आसपास चल रहा है एक दिन का। करेक्ट, सिर्फ आज का सेल है, आज का इतना सेल है। इवन अभी भी शायद से, चलो अभी तो मेरा ये मैंने इस पे डाल के रखा है, फ्लाइट मोड पे डाल के रखा है, बट मैं आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा चलो, बहुत अच्छा है। अगर हम 1 लाख रुपए में 20% भी मान के चलो, 20,000 रुपए पर डे तो बहुत होते हैं। एक साल में अगर आपने इस लेवल को अचीव कर लिया कि आप 20,000 रुपए पर डे कमा रहे हैं एट द मिनिमम भी, तो मतलब मैक्सिमम भी कमा रहे हैं तब भी बहुत होता है। बट 20,000 इसमें पार्टनर है, ठीक है, तो हम दोनों में डिवाइड होता है प्रॉफिट, ऐसा नहीं कि मैं अकेला हैंडल करता हूं। चलिए ठीक है, 50% भी डिवाइड हो गया तो 3 लाख रुपए महीना हो गया अगर मैक्सिमम, बिल्कुल अगर हम एवरेज भी लेके चले तो, अगर ये ऊपर जाएगा अगर आप कह रहे हो तो फिर तो, अगर आपका एक्सपर्टाइज है और आप जैसे कि एक्सपर्ट हो ही, तो आप ऑब्वियसली इसको धीरे 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 स्केल अप करोगे तो चलिए मतलब इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है दोस्तों। ये आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा रिस्क तो देखिए हर काम में होता है, प्रॉफिट भी आप देख ही रहे हैं प्रॉपर। मेरे ख्याल एक अगर किसी को मेंटोर मिल जाए, किसी को गाइड करने वाला स्टार्टिंग में, तो मेरे ख्याल काफी हेल्प हो जाती है ड्रॉप शिपिंग में, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है ये। हेल्प हो जाती है, बट मैं ना ज्यादातर मेंटोरशिप रिकमेंड नहीं करता, मतलब मैं रिकमेंड अच्छा। करता हूँ हमेशा कि आप खुद ट्राई आउट करो ज्यादातर चीजें मैक्सिमम, जब आप क्योंकि जब आप खुद ट्राई आउट करते हो तो आपसे गलतियां भी होती है वैसे, ठीक है। आप थोड़े थोड़े सजेशन ले सकते हो किसी से, बट मेंटोरशिप मतलब, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन ड्रॉप शिपिंग में बोलो या फिर इंडियन से बहुत सारे ऐसे फेक गुरुज बहुत पड़े हुए हैं यहाँ पे इंडिया में, जो बोलेंगे कि हम आपको मेंटोरशिप दे देंगे, आप हमें 1 लाख दो, 2 लाख दो। बीच में एक स्कैम भी मैंने एक्सपोज किया था चैनल के ऊपर, ठीक है, तो ऐसे बहुत बहुत पड़े हैं, ठीक है, तो इनके पीछे मत लगना। मेरे ख्याल से आप सजेशंस ले सकते हो, जैसे मेरे से सजेशन ले सकते हो, या फिर और कोई यूट्यूबर होगा या कोई आपके पहचान में होगा ड्रॉपशिपिंग, या फिर ड्रॉपशिपिंग के फेसबुक ग्रुप्स होते हैं उसमें आप लोगों से सजेशन ले सकते हो। धीरे धीरे सजेशंस लेकर पूरी चीजें ट्राई आउट करो और बिजनेस को आगे करो, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि ज़्यादा मेंटोरशिप नहीं करनी, कोई कोर्स वगैरह, पेड कोर्स वगैरह नहीं करना, ज़्यादा फोकस अपने काम पे करना है, जहाँ से हो सके फ्री में ज्ञान बटोरो और ट्राई करो। फ्री में ऑलरेडी टेस्ट एंड ट्राई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं जितना सीखा है यूट्यूब एडिटिंग, जितना भी मैंने सीखा है, मैंने आज तक ना कोई कोर्स किया है ना कुछ किया, ऑल फ्रॉम यूट्यूब, गोइंग बैक टू यूट्यूब, बिल्कुल यही चल रहा है अब। ठीक है, आपने बता दिया कि आपकी इनकम कितनी है, तो आप इसको री इन्वेस्ट और रीस्केल, मतलब स्केलिंग का कितना आपका क्या प्लान चल रहा है इस टाइम? स्केलिंग में अभी एक्चुअली हमारा प्लान चल रहा है कि हमको ब्रांडिंग करनी है पहले, तो अभी ये ब्रांडिंग करनी है, ओके, से थोड़ा ई कॉमर्स मॉडल पे मूव होने का सोच रहे धीरे धीरे, वो करना है। बाकी फिर मेरी इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी स्टॉक्स। अच्छा क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करते हैं आप? क्रिप्टो में बहुत है। अच्छा क्रिप्टो में है, आप कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो में? अप्रैल मंथ से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अप्रैल से? इसी साल के अप्रैल से? मैं अपना बताऊं तो मैं अराउंड जब मैं एमएनसी में था, जब मैंने इनिशियल अपना वर्क शुरू किया था, मतलब कॉलेज के बाद ब्रिटिश टेलीकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में का हम, मैं इंपोर्ट देखता था एशिया पैसिफिक का, तो उस टाइम से मैंने इंपोर्ट अपना क्रिप्टो शुरू किया था अराउंड 2021, यहां से 3 साल पीछे यानी 15 16 से मैंने क्रिप्टो में डालना स्टार्ट किया था। एक मेरे पे स्कैम भी हुआ था उस टाइम पे, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी लिया था, फिर मैंने बेच दिया था, फिर मतलब चल रहा है मेरा, मैंने एकदम कम्प्लीटली स्टॉप नहीं किया, बहुत कम मैं डालता हूँ क्रिप्टो में, बाकी स्टॉक्स में भी है, मैं स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि स्टॉक्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, और कभी भी मैं क्रिप्टो की बात करूँ, क्रिप्टो में क्या है कि शॉर्ट टर्म में ज़्यादा आपको मिल सकता है। तो क्रिप्टो में क्या होता है ना कि क्रिप्टो में अब लोग ज़्यादा लालच देख देते हैं, क्रिप्टो में सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात पता क्या, अभी इस टाइम पे मार्केट इतना ज़्यादा गिरा हुआ है पिछले 1 महीने से, अभी किसी ने नहीं किया होगा, जैसे ही ये अचानक से शूटअप होगा ना तब सारे लोग आ जाएंगे, यार ये तो बहुत प्रॉफिट दे रहा है, बहुत प्रॉफिट दे रहा है, फिर कहीं ना कहीं लोग उसको महंगे में खरीद लेंगे, फिर वो मार्केट नीचे चला जाएगा। तो मेरा जो क्रिप्टो और स्टॉक का रहता है, मैं अपना जितना भी मेरे को इन्वेस्ट करना होता है ना उसका, मैं ये समझ लो 80% स्टॉक्स में डालता हूँ, 20% क्रिप्टो में डालता हूँ। मेरा उल्टा है बट मेरा वो रहता है, मेरा रेगुलर रहता है कि क्या प्राइस है, कितने में चल रहा है। दो तीन मेरे फेवरेट हैं, एक है एथेरियम, एक है बिटकॉइन, एक मैंने थोड़ा सा डॉज कॉइन भी लिया था बीच में कहीं ना कहीं महंगे में लिया था, तो और बाकी मेरा स्टॉक्स तो है ही, स्टॉक्स के लिए जीरो था, आज की डेट में इतना बेस्ट ऐप है तो वो तो है ही।
तो आप क्रिप्टो में भी, तो क्रिप्टो का भी कुछ स्टार्ट करने वाले हैं क्या आप अपने चैनल पे, कुछ ज्ञान वगैरह देने वाले हैं? वीडियोस डाले थे, उसमें से दो वीडियोस चले भी अच्छे खासे और आगे एक्चुअली क्रिप्टो में क्या है कि क्रिप्टो में जो आपको वो मिलता है ना आरपीएम और सीपीएम बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब आज के डेट में अगर कोई बना ले क्रिप्टो के ऊपर तो उसको मतलब हमारे 1 लाख व्यूज और उसके 10,000 व्यूज से एक बराबर है, इवन उसका ज़्यादा है, उसको ज़्यादा है रेवेन्यू होगा। अच्छा, आपने अभी मेरे को बोला कि आप अपना ब्रांडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके जो आपने निश सेलेक्ट किया होगा, किस में करने की कोशिश कर रहे हैं? वो नहीं बता सकता मैं, सॉरी। अच्छा, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि एक्चुअली बस ढूंढते हैं कि कब इसका स्टोर मिल जाए, किसी का स्टोर मिल जाए, क्या कैसे इसका प्रोडक्ट चला लूं, वो चलते रहता है। तो वो एक्चुअली कभी भी, और एक्चुअली आपके ऑडियंस को भी बोलूंगा, अगर कभी भी ड्रॉप शिपिंग चालू करते हो कभी भी किसी को अपना स्टोर रिवील मत करो, और कभी भी अपना विनिंग प्रोडक्ट रिवील मत करो। स्टोर तो रिवील करना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग जाएंगे कैसे? नहीं, स्टोर नहीं, आपके जैसे कॉम्पिटिटर्स को मत करो, जैसे मेरे जैसे जितने भी ड्रॉपशिपर्स हैं उनको मैं कभी मेरा स्टोर नहीं बताता, मेरे चैनल के ऊपर भी मैं मेरा कभी स्टोर नहीं बताता, हाइड करना पड़ता है। अच्छा, आपका जो लेकर जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है फेसबुक और उससे वो है, ओके। बट आप जैसे कोई और बिजनेस कर रहे हैं, मेरे जितने भी ड्रॉपशिपर पहचान के, किसी को नहीं पता कि मेरा स्टोर क्या है, मुझे नहीं पता कि उनका स्टोर क्या है। ओके, ऐसा है क्या? नहीं तो मैं होता तो बताता, अच्छा आपने बता दिया, मैं कभी बताऊंगा नहीं फ्यूचर में। वैसे मैंने भी आपसे, मैंने मेरे से पूछना था आपसे कि मेरे को भी अपना ना एक ई कॉमर्स स्टार्ट करना है। एक्चुअली क्या है कि मेरी जो सिस्टर है, मेरे जो जीजा है, वो मर्चेंडाइजर है, सीनियर मर्चेंडाइजर है एक्चुअली, तो हमें ना फैब्रिक में काफ़ी अच्छी वो है, एक्सपर्टाइज है, तो मैं इस बारे में आपसे कभी फ़ोन पर बात करूँगा कि किस तरीके से सेटअप करना है, वो तो बात का डिस्कशन है। तो आपने मेरे को बता दिया कि प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करना है, क्या रिस्क है, तो अब कंक्लूजन में आते हैं, है ना, सीधा कंक्लूजन में आते हैं। आपने ये बता दिया कि प्रॉफिट कितना है, कहाँ आप रीइन्वेस्ट करते हैं, कैसे रीस्केल करने, इसको स्केल करने वाले। कंक्लूजन में आते हैं कि आज की डेट में 2-3 मॉडल काम कर रहे हैं इंडिया पे, एक है ई कॉमर्स, एक है एफिलिएट मार्केटिंग, एक है आपका ड्रॉप शिपिंग। अगर मेन जो कोई भी आज की डेट में कर सकता है कॉमन बंदा छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ, तो आप इन तीनों में से किसको प्रेफर करेंगे? मैं ड्रॉप शिपिंग वाला हूँ, तो मैं ड्रॉप शिपिंग को ही प्रेफर करूँगा। बिल्कुल ठीक है, ड्रॉप शिपिंग। एक क्या है कि अगर आपको वो है एफिलिएट मार्केटिंग, उसमें आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, वो एक पॉइंट है, आपको सिर्फ दूसरे का प्रोडक्ट प्रमोट। बट मुझे लगता है कि अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करना है तो आपका, आप अगर हमारे जैसे यूट्यूबर हैं कि आपके पास थोड़ी सी ऑडियंस है जिसको आप इनिशियल लेवल पर ग्रैब कर सकें, आप बोलेंगे तो लोग खरीद लेंगे बिना इन्वेस्ट किए, बिना पैसे कहीं पे लगाए, बिना मार्केटिंग किए, तो आपको मेरे को लगता है कि एफिलिएट मार्केटिंग पे जाना चाहिए। नहीं तो आपको मार्केटिंग तो वहाँ भी करनी पड़ेगी, अगर आपको कोई नहीं जानता तो एफिलिएट मार्केटिंग में भी धीरे धीरे मूव हो जाएगी, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट में ऑलरेडी ओके अंकित एक यूट्यूबर है एफिलिएट मार्केटिंग के, बहुत बड़े, तो मेरे कॉन्टैक्ट में, तो कभी कर लेंगे उनके साथ कुछ काम। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ड्रॉप शिपिंग लीगल है, ड्रॉप शिपिंग इंडिया में चलता है, आपने बता दिया कि इंडिया मार्ट से हम शुरू कर सकते हैं सप्लायर्स को लेकर, प्रोडक्ट की लिस्ट बना के अपना स्टोर खोल के। इंडिया का कौन सा ड्रॉप शिपर है जो आपको लगता है कि अच्छा इस टाइम पे कमा रहा है पैसे? इंडियन ड्रॉप शिपर को आपके नॉलेज नहीं पता एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, कौन अच्छा कमा रहा है करके, एकदम अच्छा कोई कमा रहा है मुझे नहीं पता ऐसा कोई, कुछ नहीं आइडिया। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है इंडिया में, एक्चुअली इतना फेमस भी नहीं है लोग, और एक्चुअली मैंने ज्यादा किसी के कॉन्टेक्ट में नहीं रहता कि भाई तू कितना कर रहा, तू कितना कर रहा, मेरा काम सीधा है, मैं मेरे काम में बिजी रहता हूँ, दैट्स इट। बाकी तुम कितना भी करो, तुम 10 लाख कमाओ, 20 लाख कमाओ महीने के, मेरा फिलहाल 3-4 लाख चलता है, उसको मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ उस पर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। बढ़िया, बिल्कुल होना भी यही चाहिए, दूसरों को नहीं देखना, हमेशा अपने पे फोकस करना है, अपने को इंप्रूव करना है। कितने बार मुझसे लोग खुद से खुद का कंपटीशन, भाई आपका फिर आपने सेल डाला, स्क्रीनशॉट डाला आज, तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ इसमें, भाई मेरे लिए क्यों पूछ रहा है, तेरे को मिलने वाला है क्या मेरा प्रॉफिट? बिल्कुल ठीक है, अपना खुद से खुद का कंपटीशन, मैं भी यही मानता हूं। तो आप अपनी तरफ से कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, मतलब कि किस तरीके से ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट करना है, ड्रॉप शिपिंग करना चाहिए या किसको करना चाहिए, या कोई भी कर सकता है ड्रॉप शिपिंग में? मैं एडवाइस ये देना चाहूँगा कि अकेले मत स्टार्ट करो, कोई पार्टनर को साथ में करो, क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया तो मैं पार्टनर के साथ में किया था, ठीक है, अभी भी मैं पार्टनर है वो अभी नहीं है, बट अभी मैं दूसरे पार्टनर के साथ में हूँ, तो मैंने भी स्टार्ट किया तो पार्टनर के साथ में किया, आप भी करोगे तो पार्टनर के साथ में करो। रीजन ये है कि कभी कभी एक बिजी रहा तो दूसरा हैंडल कर लेना, दूसरा बिजी रहा तो पहला हैंडल कर लेना, या फिर दोनों हैंडल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंफर्मेशन कॉल्स, एनडीआर कॉल्स भी होते हैं, मतलब अगर से आपका ऑर्डर पहले अटेम्प्ट में डिलीवर नहीं हुआ तो फिर कस्टमर को फोन करो कि भाई आपको कुछ दिक्कत है ऑर्डर्स में, या फिर डिलीवरी बॉय को फोन करो कि भाई तूने ऑर्डर क्यों डिलीवर नहीं किया,
ये सब कुछ आपको, ये भी कॉल संभालने पड़ते हैं, कन्फर्मेशन कॉल्स भी संभालने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी दो पार्टनर साथ में मिलकर चालू करें तो बेटर है। 25,000 to 30,000 के साथ में स्टार्ट करना ही चाहिए। उससे मिनिमम अमाउंट अगर आपके पास में 20,000, 15,000, 10,000 उसके साथ में ना करें, वो अमाउंट इनफ नहीं है ड्रॉपशिपिंग स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, बहुत लोग आते हैं कि भाई मेरे पास 10,000 रुपये, क्या मैं इसमें स्टार्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकते बेटा, सीधा सीधा आपको 25,000-30,000 रुपये तो रखने ही पड़ेंगे साथ। चलिए आपने ठीक है ये तो बता दिया कि पार्टनर के साथ स्टार्ट करना है। एक चीज़ मैं पूछना भूल गया आपसे कि अपने ड्रॉप शिपिंग में इस टाइम पे कुछ स्कैम वगैरह भी हो रहे हैं क्या? बहुत स्कैम, मतलब कैसे स्कैम होता? मतलब कुछ प्रोडक्ट दिखाया कुछ और भेज दिया, प्रोडक्ट दिखाया कुछ भेजा ही नहीं। मैं एक देख रहा था कि उन्होंने फेस मास्क दिखाया था, बट उन्होंने, मैं स्कैम के बारे में, वो इतना सा फेस मास्क उसने अपने फोरहेड पे लगा रखा था, इतना सा घटिया लोग हैं। बता दूं आपको, समझ लो ऐसे बीच में एक देखा था मैंने कि कोई तो एक सोफा बेच रहा था, ठीक है, वो आता है ना okay. हवा भरने वाला सोफा, वो बेड भी बन जाता है, सोफा भी बन जाता है, उस टाइप से होता है ना। हां इन्फ्लेटेड, वो सोफा बेच रहा था सिर्फ 300 रुपए में, 300 या 400 रुपए में शायद, ठीक है। और उसका, उसने क्या करा था कि उसमें प्रीपेड सिस्टम लगा के रखा, लेना है तो प्रीपेड लो, कैश ऑन डिलीवरी तो है, तो कुछ नहीं भाई 300 रुपए में उसको परवड़ेगा ही नहीं, उसको शिपिंग भी उससे ज्यादा गिरेगी मेरे ख्याल से, तो शिपिंग भी ज्यादा लगेगी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला बहुत सस्ते में बेचे बट शिपिंग में उससे वसूल कर ले पैसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है, मेरे को जहाँ तक लगता है कि उसने बोला कि ये इतना सस्ता है बट जब वो फाइनल उसने पेमेंट किया और ऑर्डर के टाइम पे जो शिपिंग कॉस्ट हुआ वो बहुत ज़्यादा आ गया। कस्टमर ऑर्डर ही प्लेस नहीं करता, इंडियन कस्टमर्स के बाद में बहुत, इंडियन कस्टमर के साथ में पूरा अमेजोन पड़ा है, ठीक है। आप अगर महंगा दोगे ना तो अमेजोन पे भाग जाएंगे। सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन तो कवर कर ही लिया हमने कि क्या इन्वेस्टमेंट है। शायद से आपके ऑडियंस को अभी ये क्वेश्चन आ रहा होगा अमेज़न और इस पर से कि भाई अगर से आप एक प्रोडक्ट 500 का बेच रहे हो, वही प्रोडक्ट अमेज़न पे 300 का मिल रहा है, तो लोग क्यों खरीदते हैं वहां से, मतलब आपसे क्यों खरीदते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एक्चुअली फेसबुक में क्या होता है कि इंपल्स बाइंग हो जाती है वहाँ पर, ठीक है, उनको प्रोडक्ट दिखा, जल्दी से गए ऑर्डर कर लिया, इसलिए लोग अपने से प्रेफर करते हैं ड्रॉपशिपिंग वालों से। और आप वहाँ पे प्लस माइनस पॉइंट क्या बता सकते हो कि भाई आपको अमेजोन से इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर आपको प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट का कोई कस्टमर, मतलब कोई कॉल बॉय नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में पूरा कस्टमर सपोर्ट की टीम है, जैसे मेरे पास में एक पूरी टीम है, वो हैंडल करती है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ से भी आप हमको डायरेक्टली मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको ऑर्डर में कुछ डिफेक्ट वगैरह आता है। तो ये कुछ प्लस माइनस अपने अपने पॉइंट्स होते हैं। साथ ही साथ आपको भी पता है, आप जैसे इम्पोर्ट करते हो, ठीक है, तो बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो दिखने में सेम है, ठीक है। समझ लो एक पर्टिकुलर बॉटल है फॉर एग्जाम्पल, दिखने में सेम है दो बॉटल्स, लेकिन क्वालिटी में डिफरेंस होता है, ऐसा आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा। जैसे बीच में मैंने 2-3 प्रोडक्ट देखे हैं, ठीक है, नाम नहीं बता सकता मैं यहाँ पे क्योंकि मेरे फ्रेंड का विनर है, बट मैंने देखे है कि दिखने में टोटल सेम है टोटली, बट एक की क्वालिटी बहुत खराब है, एक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो एक्चुअली अमेजोन पे बहुत से सेलर्स क्या करते हैं, वो क्वालिटी खराब वाला सस्ते में बेचते हैं और अपन क्वालिटी अच्छा वाला है इसलिए अपन थोड़ा महंगे में बेचते हैं, तो फिर वो कस्टमर को लगता है कि नहीं अमेजोन सस्ते दे रहा है तो मैं वहाँ से खरीदता हूँ, ठीक है। तो कस्टमर को इस वजह से भी अपने को समझाना होता है। मुझे लगता है एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब कस्टमर को आप अपने वेबसाइट पे लेके आओगे वो कितनी जल्दी खरीद के बाहर निकल सकता है, इसीलिए आपको एड्रेस और जितने कम स्टेप रखना है, आपने 2-3 चीज़ें ऑन रखनी है आपके स्टोर पर। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जितना जल्दी उसको, बस कॉम्प्लिकेट कहीं, जितना कम स्टेप्स होंगे उतनी जल्दी आपकी सेल्स बढ़ेगी। प्रोडक्ट पेज के ऊपर नीचे जाने, अगर कोई नीचे नीचे जाता है प्रोडक्ट पेज के ऊपर में, तो मैं नीचे रिकमेंडेड प्रोडक्ट भी नहीं रखता हूँ क्योंकि वो रिकमेंडेड रहेंगे, फिर वो दूसरे में घुसेगा, फिर तीसरे में घुसेगा, फिर वो जो लेने को आया तो उसको दिखेगा ही नहीं, इसलिए मैं रखता ही नहीं हूँ रिकमेंड। भाई ये तो ये पेज पे आया, ये पेज देख, रिव्यूज देख, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़, ऐड टू कार्ट कर और परचेस कर, सीधा सीधा। ओके, कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बिल्कुल ईजी, सिंपल चॉइसेस, सिंपल एंड सोबर, ठीक है। तो कुछ फाइनल वर्ड्स हमारे ऑडियंस के लिए, कि फाइनल वर्ड्स ऑडियंस के लिए ये है कि आओ मेरे चैनल के ऊपर आपको इंडियन ड्रॉप। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। आप भी कुछ कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं? मेरा वर्कशॉप है, मेरे वर्कशॉप है, 499 रुपीज में चार्ज करता हूँ। उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप एक स्टोर बनाकर दिखाता हूँ, सेम स्टोर के ऊपर फेसबुक एड्स लगाकर मैं सेल्स भी लाकर दिखाता हूँ, और फिर जो ऑर्डर्स आते हैं उनको डिलीवर कैसे करना है कस्टमर तक वो भी सिखाता हूँ। तीनों स्टेप का मेरा पूरा वर्कशॉप है 3 दिन का। पहला दिन में मैं स्टोर बनाना सिखाता हूँ, सेकंड डे में फेसबुक और शिपिंग चलता है, और थर्ड डे मेरा लाइव सेशन होता है जिसमें मैं ऑडियंस के साथ में इंटरेक्ट करता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। कितनी फीस है इसकी? 499 में पिज़्ज़ा भी आजकल इससे महंगा आता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है।
कई लोग ना मैंने देखा है कि कई लोग पता नहीं पैसे यहाँ वहाँ वेस्ट कर देते हैं, बट कुछ सीखते नहीं है वो ऑनलाइन, फ्री में तो सीखते ही नहीं है, और कई बार वो पैसे देके भी मतलब कई लोग कभी भी वो अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मतलब सिर्फ क्योंकि मेरे वर्कशॉप में भी बताता हूँ, अगर से मतलब 100 लोग इनरोल हुए ना तो लाइव सेशन में 85 लोग आएंगे, 85 लोग पैसे देने के बाद भी नहीं करते, बताओ भी नहीं करते, राइट? तो सीरियस नहीं एक्चुअली लोग अपने ही लाइफ के बारे में, सीरियस नहीं टू बी ऑनेस्ट, अगर बोलो कि भाई खुद को ग्रो करना है लाइफ में, इसमें सीरियस नहीं है लोग। तो ऐसे अब मेरे को बस आप वीडियो ख़त्म करते हैं, मेरे को सिर्फ 3 की पॉइंट्स बता दो जो कि आपके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है अब तक, जो आपके 3 ऐसी चीज़ जिसको आप अपने बिजनेस में अप्लाई करते हो। मैं पहली चीज़ तो ये कि मैं लगा रहता हूँ, ठीक है, जो भी चल रहा है मैं लगा रहता हूँ, फेल होऊंगा वापस लगाऊंगा, ट्राई एंड फेल, ट्राई एंड टेस्ट। अभी फाइनली मेरा अच्छा चल रहा है, ठीक है, अभी मेरा ड्रॉपशिपिंग भी अच्छा चल रहा है, और टू बी ऑनेस्ट अगर से मैं यहाँ पे रिवील करना चाहूंगा आपके चैनल पे फर्स्ट टाइम, ड्रॉपशिपिंग से ज्यादा बेटर मेरे वर्कशॉप चल रहे हैं, ठीक है, मेरे लिए पहले एज मैंने एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चालू किया था वर्कशॉप्स, बट एक्चुअली अभी मेरा थोड़ा सा प्राइमरी सोर्स अभी वर्कशॉप्स हो रहे हैं, और ड्रॉपशिपिंग से मेरे को उतना नहीं होता जितना अभी वर्कशॉप्स हो रहे हैं, राइट? तो ये अभी मेरा है कि मैं लगे रहता हूँ, नए नए चीज़ें मैं ट्राई करते रहता हूँ, ठीक है, और मैं बहुत कंटिन्यूसली वर्क करता हूँ, राइट, जितना हो सके मैक्सिमम वर्क करता हूँ, कम से कम सोने का ट्राई करता हूँ, 8-9 घंटे ही सोता हूँ मैं, 8 घंटे तो मैक्सिमम हो गए मेरे, ठीक है, कंटिन्यू मैं लगा रहता हूँ। और थर्ड चीज़ मेरी ये है कि मतलब सॉरी सेकंड चीज़ जो है उसमें ये कि मैं मेरे दिन को पूरा स्केड्यूल करके रखता हूँ कि सुबह उठा तो मुझे आज दिन भर में क्या क्या करना है, वो मैं लिख कर रखता हूँ, और डे बाय डे उसको मैं अचीव करके रहता हूँ, मतलब सॉरी पूरे दिन में उसको अचीव करते रहता हूँ, ठीक है, गोल सेटिंग करनी है। थर्ड चीज़ मेरी ये है कि रिसेंटली मैंने 3 महीने पहले मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया है, डेली मेडिटेशन करता हूँ मैं, 15-20 मिनट कर लेता हूँ, और वो मेरे दिमाग को शांत रखने के लिए मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं, फोकस। कितना हेल्प किया मेडिटेशन ने? बहुत ज़्यादा। मैंने बीच में स्टार्ट किया था मेडिटेशन, फिर मेरा ब्रेक हो गया, मेरे को लगता है कि मेडिटेशन काफ़ी हेल्प करता है, मेरा मेडिटेशन छोड़ के आपने जो तीनों चीज़ें बोली, मेडिटेशन छोड़ के बाकी सारी चीज़ें मैं करता हूँ, ये मेडिटेशन मेरा एक्चुअली मैं मेडिटेशन को लेके बहुत ज़्यादा प्रोकेस्टिनेट करता हूँ, ये हो ही नहीं पा रहा मेरे से। नहीं, वो कम से कम रोज 5-5 मिनट करो, फिर धीरे धीरे 6-7 मिनट, रणवीर अलावा दे के बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट है मुझे लगता है मेडिटेशन का, रणवीर अलावा दे के वीडियोस देखो, वो तो बहुत मोटिवेट कर देना भाई। एक्चुअली मैंने उसका मेडिटेशन का वीडियो देखा था, मैंने डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट डे से मेडिटेशन स्टार्ट, और तब से अभी तक एक भी दिन नहीं छोड़ा मैंने पिछले 3 महीने से। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए क्षितिज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने जो नॉलेज दिया मेरे को नहीं लगता कि किसी को और कहीं मिलेगा इतना इनसाइट किसी और चैनल पे। और अगर आप लोगों को दोस्तों और ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स के बारे में जानना है तो क्षितिज जी का चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, और प्लस इनको टाइटल में तो मैं ऐड करूंगा ही, टैग करूंगा ही, तो आप वहां से जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं। तो क्षितिज जी थैंक यू अपना टाइम देने के लिए, और मेरे लायक कुछ हो आपके लिए, मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप मेरे को पक्का याद करिएगा, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ज्ञान देना है। हाँ बिल्कुल, जहाँ तक देखिए मेरे से कोशिश होगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस होगा, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है हमारे इंडिया में, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा ड्रास्टिकली रोज चेंज हो जाती हैं, इतने सारे नोटिफिकेशंस और इतने सारे वो हैं, जहाँ तक हो पाएगा मैं दे दूंगा। मुझे सिर्फ सिंपल टॉपिक पर चाहिए कि भाई अगर से मैं एक ड्रॉपशिपर हूँ, मुझे खुद को मेरे पास में AliExpress से प्रोडक्ट मंगवाना है तो मैं कैसे मंगवाऊं, कैसे इंपोर्ट करना है, क्या इंपोर्ट कर सकता है, क्या नहीं कर सकते, उतने मेरे को टॉपिक पे एक पॉडकास्ट, ये मोटा वो होना चाहिए, बिल्कुल मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा, आप प्लान करना। तो थैंक यू सुदीप जी अपना टाइम देने के लिए, तो मिलते हैं फिर आपके चैनल पर किसी और वीडियो में, तो चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।